बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। यूपी विधानसभा चुनाव जितना तेजी से करीब आ रहे हैं, पक्ष व विपक्ष दोनों अपने विरोधियों को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो इन दिनों विपक्ष को प्रचार पाने का एक बड़े हथियार के रूप में हाथ लगा है। इस वायरल वीडियो में यूपी के मुख्यमंत्री को आरती व घंटी बजाते हुए पूजा अर्चना करते दिखाया गया है। इस वीडियो की पृष्ठभूमि क्या रही होगी यह तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ कैमरे के मोह के कारण योगी आदित्यनाथ ईश्वर को नहीं बल्कि कैमरे की आरती उतार रहे हैं। इसका मखौल उड़ाते हुए तमाम अन्य वीडियो भी इन दिनों वायरल हो रहे हैं। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट। आइए पहले देखिए वह वीडियो जो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। कांग्रेस की डॉक्टर रागिनी नायक ने इस पर टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया है कि मन ना रंगाएं, रंगाएं योगी कपड़ा, फोटो के चक्कर में बोराए गए लबड़ा, प्रभु रह गए पीछे, आरती के सामने है कैमरा। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा लिखते हैं कि विपक्ष वाले बहुत नकारात्मक होते हैं। भगवान के अलावा CM योगी मीडिया की भी आरती उतार रहे थे। भावनाओं को समझिए, क्योंकि चाहे केंद्र और या फिर यूपी सरकार, इनका वजूद काफी हद तक इसी गुल्लू मीडिया की वजह से है। यह न हो तो सारा भ्रम ही टूट जाएगा। हास्य कलाकार सुनील पॉल ने भी एक ऐसा ही वीडियो बनाकर वायरल किया है। आइए देखिए। अरे महाराज, भगवान उधर हैं। हाँ, लेकिन कैमरा तो इधर है ना। विपक्ष ने इस आरती पर सवाल खड़े किए तो सोशल मीडिया पर विपक्ष पर भी हमलावर होने से पक्ष कहां पीछे रहा। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे फोटो डाले गए हैं जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला मंदिर के बाहर पब्लिक की तरफ हाथ जोड़े खड़े हैं। ट्वीट कर उन्हें बताया जा रहा है कि भगवान तो भीतर हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट TV। नमस्कार।